हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आज जो है ना रमज़ान का चौथा रोज़ा स्टार्ट हो गया है और जो है ना सुबह सुबह मैं उठ गई थी जल्दी जल्दी। उठने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं नहाई हूँ, फिर मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी है जुमे की, फिर थोड़ी सी जो है ना कुरान रिसाइटेशन कर ली। उसके बाद जो है ना इन मैडम को जो है ना कपड़े, मैंने इसको तोते की आवाज़ आई है इसलिए आसमान की तरफ देख रही है, तोते की भी एक अलग हिस्ट्री है, वो आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। मैंने भी रखा हुआ था, 5 साल का था, हो गया था मेरे पास, बड़ा क्यूट सा था। किसी दिन किसी व्लॉग में इसके बारे में मैं दिखाऊँगी, इसकी वीडियोस भी दिखाऊँगी। तो अभी जो है ना सुबह सुबह उठने के बाद जो है ना बस वो सुबह सुबह ही होती है, ज़ाहिर है जब उठो वो सुबह ही है, होती तो दोपहर हो जाती है लेकिन वो सुबह होती है। और अभी जो है ना मैं, हम दोनों छत पे आए थे, मैंने सोचा क्या नीचे बैठना, तो इधर ऊपर जाके बैठते हैं, धूप में तो बैठा नहीं जाता अब, लेकिन नेचुरल हवा लेने तो आ सकते हैं ना। तो अब जो है ना जाने की तैयारी है हमारी, उधर हम जाएंगे कहाँ, बाजी की तरफ, वहाँ जाके रोज़ा खोलेंगे। और आज रोज़े का मेन्यू कुछ ऐसा है कि मे बी मटन या चिकन कढ़ाई बने, उन दोनों में से मैं प्रेफर करूँगी चिकन, क्योंकि ये मटन नहीं खाती ना बीफ खाती है, ये सिर्फ चिकन खाती है, तो वो बनेगी। और साथ छत पे 2 मिनट के लिए मैंने सोचा चलो आके मैं एक वीडियो भी बना लूँ, कोई बातचीत कर लूँगी। ये इसने ना यहाँ भी टॉयज लाने हैं और ये लुक एट दिस। मैं आ गई छत से नीचे, अभी मैंने सोचा कि वो जो 2 शतार मैंने टेरेस पे खोले हुए हैं उनको बंद कर दिया जाए। क्या कर रहे हैं, लो लो हाजिर हो गए, इनको बंद कर दूँ, ये खुले रह गए, मेरा पूरा घर गंदा। रात का आपको सीन बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। रात को मेरी लाइट चली गई, लाइट के साथ क्या हुआ, यूपीएस के दोनों फ्यूज जो है ना उड़ गए। वो यूपीएस वो चलना तो क्या, उसने जो है ना लाइटें भी चलाना बंद कर दिया, फिर मजबूरन लाइट तो थी नहीं, तो मैं जो है ना अपनी भाजी की तरफ चली गई थी, वहाँ जाके सैरी की थी, वहाँ जाके वीडियो नहीं बना सके क्योंकि नींद मुझे फुल आई हुई थी कि बस मैं सैरी करूँ और अपने घर आ जाऊँ। शुक्र है सैरी की थी, जब घर आई हूँ तो लाइट आ रही थी और फिर हम घर आके सोए हैं। उन्होंने तो बड़ी मिन्नत की थी कि वहीं रुक जाओ, मैंने कहा नहीं, जो नींद जो सुकून अपने घर में आता है ना वो कहीं और नहीं आ सकता। फिलहाल से मैंने इतना प्यारा ड्रेस पहना ना, ये मेरा ख्याल एक दफ़ा मैंने पहले पहना था, उसके बाद रमज़ान के लिए रख दिया था, क्योंकि रमज़ान में नए कपड़े पहन के इबादत करना या रोज़े रखना ना मुझे बड़ा पसंद है। वैसे भी सुन रहा हूँ कितना क्यूट है आबिश। ये एटीएम आई थी मैं तो उसके बाहर जो है ना खाना था, हाँ और क्या, इसको डाल देते खाना, वो कैसे प्यार से मांग रहे, इसको घर ले जाते हैं। हाउ स्वीट। अब मैं आ गई हूँ बाजी की तरफ, बस हम जा रहे हैं, क्रीम बुक करवा के मैं जो है ना मैं आई थी, थोड़ा सा जो है ना मैं पीछे उतर की थी, मैं क्या छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, अभी पता नहीं आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं। तो अभी जो है ना अच्छी सी ठंडी हवा चल रही है, चादर ले ली थी मैंने, मास्क पहन लिया था, खूबसूरत इतनी हूँ ना नज़र ना लग जाए, क्यों अभी जल्दी पागल हो गया। अभी हम ना रस्ते में आ रहे थे तो ना यानी ना यहाँ पे क्रीम वाले ने जब हमें ड्रॉप किया तो एक आदमी ना अनयूजुअली हम दोनों को देख रहा था, बड़ा कोई इरिटेशन फील हो रही थी, ये तो मुझे कही जा रही है वो जिन तो नहीं था, वो चुड़ैल तो नहीं थी। ये ना ये मेरी ट्यूशन वाली बाजी का घर है, जब मैं छोटी थी यहाँ पढ़ती थी, आप ही कहती हूँ मैं आपको फूल ला के देती हूँ। हाँ किसी ने तोड़ लिया, उनसे पूछ लेना पहले, फूल तोड़ने जा रही है। पहली दफ़ा मुझे बड़ा खौफ आया अकेले आते हुए जो है ना वो, हाँ किसी ने तोड़ ली, चलो ठीक है आ जाओ कोई बात नहीं, कि ऐसे जो है ना वो मतलब अजीब ही फील हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम ए कॉन्फिडेंस वुमेन, कितनी अच्छी धूप पड़ी मेरे मुँह पर। बस हम गेट के पास आ गए, इसलिए जान बूझ के मुझे वहाँ उतरवाया कि मम्मा उतरो वीडियो बनाते हुए जाएंगे। चलो अब जाओ जाके बैल लो, जी जाओ जाके बैल लो, बल्कि खोल लो दरवाज़ा खुद ही। स्ट्रे कैट बेबी ओपन इट। हाँ कुबरा मैं बुरके जैसा पहन आई। आज इफ्तारी हो गई है लेट क्योंकि खाना लेट करना था, और ये सिर्फ बच्ची मेरे साथ बैठी हुई है, ये मेरे साथ बैठी हुई आबिश ने कुबरा ने नमाज पढ़ ली है, आबिश ही रह गई है और वो वाली बच्ची आ रही है चीज़ें लेके। ये रहा चिकन का कढ़ाई गोश्त, वो खजूरे और ये खुबरत, ये प्यारी सी खुबरत। सैरी हमने कर ली है, मैं भाजी के घर से आ गई थी तो उसके बाद आके मेरा थोड़ा सा सर में दर्द था तो आके मैं सो गई थी,
तो अभी मैंने सैरी बना भी ली है, हम दोनों ने खा भी लिया है। मुझे याद नहीं ना फिर से वीडियो बनाना, क्योंकि मेरा जो है ना दिमाग आजकल थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड हुआ हुआ है। तो अभी मैंने जाना है ऊपर टैंकी बंद करने, वो बंद करके तो अभी आके ब्लॉग को एंड कर देंगे। आज तो मैं बताना ही भूल गई, आज सैरी में बना था अंडा पराठा बनाया था मैंने। क्यों? क्योंकि सालन कोई बना नहीं था, तो क्योंकि रोज़ रोज़ सालन खाने का दिल भी नहीं करता, मैं बोर हो गई थी। मैंने सोचा चलो आज अंडा पराठा खाते हैं, तो अंडा पराठा मैंने खाया था। आबिश को जो है ना बड़ी मुश्किल से खिलाया, क्योंकि वो जो है ना ज़्यादा अंडा खाना पसंद नहीं करती, बहुत टाइम लगा इसको खिलाने में। अच्छा अभी मैं ना टंकी बंद करने जा रही हूँ, आबिश को नहीं पता, ये मुझे ढूंढती ढूंढती ऊपर आएगी और मैंने बड़ा ज़बरदस्त इसके साथ प्रैंक करना है। अभी इसका वेट करते हैं, नज़र कोई नहीं आना कुछ पर आ रही है, आ रही है, आई 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 इसमें करने वाली कौन सी बात है? तेरे 50 रुपए काटने चाहिए ओवर एक्टिंग। तू क्यों डरी? तुझे नहीं पता मम्मा है? तो बस टाइम है, अभी है 15 मिनट पड़े हैं रोज़ा बंद होने में, आप जाओ। तो जो है ना अभी इसको मैंने डराया है, आप कह रही है कि मम्मा आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अब और मैं क्या करती, मेरे पीछे पीछे जहाँ जाती मेरे पीछे पीछे आ जाती है। तो मैंने कहा आज इसके साथ ना प्रैंक करना है मैंने, बट थोड़े से बर्तन रह गए इनको मैं धो लूँ। तो मिलते हैं अब किसी और व्लॉग में, ज़िंदगी रही तो दोबारा बनाएंगे। अब हम मिलते हैं किसी और व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि जो है ना अभी कल का बिजी डे है, शरारतें कर रही है आप, इसको शरारतें सोच रही हैं। कल का भी फिर बिजी डे है, तो कोशिश करती हूँ मैं कि व्लॉग बना लूँ, लेकिन जो है ना कोई काम पड़ जाता है मुझे। अभी मैंने जो है ना इसके कपड़े देने जाने हैं दर्जन को, मैंने अपने भी सिलवाने, ईद आने वाली है, इससे पहले वो इनकार कर दे। कल कोशिश करूँगी उसके जाऊँ और फिर वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो मैंने डिसाइड भी करने हैं, ऑनलाइन मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, कपड़े तो मेरे पास ऑलरेडी आ गए हुए हैं। तो कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे, फिर मैं दिखाऊँगी कौन से सिलवाने, कहाँ जाना है, कैसे सिलवाएँगे। ओके तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।